स्वामी जी, पानी की कमी से पथरी की दिक्कत भी होती है, तो पथरी शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये भी बता दीजिए। मूली का सेवन करें। सर्दी में तो जो मूली खा लेते फिर साल भर पथरी नहीं भरती, सर्दी में 2-3 महीनों अच्छी मूली खानी चाहिए। वैसे आजकल तो 12 महीने मूली मिलने लग गई, ऐसी व्यवस्था लोगों ने बना ली है। तो जो मूली का रोज सेवन करेंगे सुबह सुबह सलाद के रूप में, सुबह सुबह की खाई हुई मूली, जड़ी मूली बोलते हैं ना, वो जड़ी मूली का काम करेगी। मूली जड़ी का काम करेगी। सुबह सुबह थोड़ा सेंधा नमक डाल के, काला नमक डाल के, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दोपहर को सलाद के रूप में खाएंगे, उसके साथ और भी चीज़ खाते हैं, रोटी के साथ सलाद के साथ खाते हैं, वो औषधि का काम करती है। रात को मूली विष का काम करती है, अत्यंत वात का प्रकोप कर देती है, और उससे आदमी कई बार तो मरणासन्न तक हो जाता है। तो खैर, पथरी के लिए मूली का प्रयोग, पथरी के लिए जौ का प्रयोग, पथरी यवक क्षार, मूली क्षार हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग करते थे हम, उसके लिए अश्वमेधर रस भी देते हैं, अश्वमेधर क्वाथ भी पिलाते, ये बड़ा ज़बरदस्त है। खैर, पथरी के लिए लीथोम, जब अब हमने इसके ऊपर साइंटिफिक ट्रायल किया, जो है स्टोन के ऊपर उसका को अप्लाई किया और देखा वो अपने आप उससे डिजोल्व होता चला जाता है, यह अप्रतिम लाभ है लीथोम का। लीथोम कुलथ की दाल, कुलथी की दाल, ये पहाड़ में तो बहुत प्रयोग करते हैं। ज्योत्सना जी तो इसके बारे में कई बार बोलती रहती है, हमने भी खूब पूरे पहाड़ में देखा है। तो ये कुलथ की दाल, ये जो रखिए ना, कुलथ की दाल है ये कुलथ की दाल, इसका सूप बनाकर पिए, रात को भिगो दिए, थोड़ी हार्ड होती है, हार्ड होती है, रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया, ये कुलथ की दाल बड़ा लाभ करती है इसके अंदर। और पानी थोड़ा ज़्यादा पीना और कपालभाति करना, बहुतों को तो मैंने देखा कपालभाति करके ही किडनी स्टोन निकल जाता है, ये बड़ी चीज़ है। चलिए स्वामी जी, स्टोन अगर निकल गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार किडनी में स्टोन की वजह से लोग यूरिन ब्लॉकेज की शिकायत करने लगते हैं कि उनकी यूरिन जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो अगर यूरिन में ब्लॉकेज आ रहा है तो उसे कैसे क्लियर किया जा सकता है? यूरिन के ब्लॉकेज के लिए सबसे अच्छा है गोखरू का पानी पिए। गोखरू तो अप्रतिम चीज है, हमने गोखरू पूरे देश को उपलब्ध करवाया है। गोखरू का पानी यूटीआई के लिए, यूरिन में ब्लॉकेज है, किसी भी प्रकार से यूरिन का अवरोध है। एक लौकी का जूस, लौकी के जूस में 2-3 काली मिर्च डाल लेना, बड़ा ठंडा होता है, वैसे जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त की प्रकृति हो तो 2-3 से ज़्यादा मत डालना, बाकी 5 तक डाल देते हैं, और तुलसी के पत्र हम डाल देते हैं, इससे तो पूरा पित्त का प्रशमन हो जाता है, यूरिन एकदम खुल करके होता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, कपालभाति करवाया 1-1 घंटा, फिर अनुलोम विलोम करवाया, लौकी का जूस पिलाया, फिर थोड़ा प्रोस्टोग्रिट आदि देते, वो एक अलग विषय है। इसके द्वारा लोग धीरे, ये प्रोस्टेट में अत्यंत लाभप्रद चीज़ है, वैद्यकीय परीक्षण में हम ये सब प्रयोग करवाते हैं, और उसका लाभ ये होता है कि लोगों का बढ़ा हुआ PSA लेवल, अब तो यूरिन ब्लॉकेज की बात करूँ मैं, यूरिन ब्लॉकेज के साथ UTI के साथ PSA लेवल एकदम रेगुलेट हो जाता है, ये बड़ी चीज़ है इससे, लौकी के जूस से, बताओ तो ये बड़ी गंभीर चीज है। सामने बेल बहुत ज़ोरदार लगी हुई है, पकी हुई भी है, और ये बेल जो है ये तो गर्मी के लिए बेल का शरबत, अच्छा स्वामी जी, लोग कई बार इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उनका बढ़ा हुआ वज़न भी उनके किडनी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, तो किडनी हेल्दी रहे इसके लिए वज़न को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब हम देख पा रहे हैं स्वामी जी, बेल जो है वो बिल्कुल उसे बचपन की याद आ गई, जब नानी के घर जाया करते थे तो इसी तरीके से बेल पत्थर का हमें जूस पीने को मिलता था, और सबके यहाँ नानी के यहाँ ही सारे पेड़ क्यों होते हैं, दादी के नहीं पेड़ नानी बहुत प्यार, नानी बहुत प्यार करती है सच में। स्वामी जी फिर वजन ये वजन को ठीक करते हैं, वजन को जरा कम करवाइए,
वजन को भी भजन के साथ योग करो। लोगों का ध्यान भोजन पर ज्यादा है, भजन पर कम है, राशन पर ज्यादा है, आसन पर ध्यान कम है, योग पर ध्यान कम है, भोग पर ज्यादा है, इधर उधर उधेड़ बुन। क्या करें, आपके कैमरामैन ने ले जाके दिखा दिया, बेल बिल्कुल करीब से चल रही है पूरी दुनिया में। दरअसल ये भी पगलाए हुए हैं, मेरे कहने के 2 मिनट बाद इनका एक्सरसाइज शुरू होता है। इनका भी क्या करें, भगवान मालिक है सबका, कोई बात नहीं। तो ये जो है वेट के लिए बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, ये बैठ करके त्रिकोणासन, चक्की आसन और एक और खाली पेट वेट को या मेदोहर दो दो या चार चार दे देते हैं वेट के अकॉर्डिंग। 80 किलो तक है तो 2 और 100-125 है तो 4-4 गोली 3-3 बार खिला देते हैं। और अश्वगंधा के पत्ते, पत्थर चटा तो किडनी के लिए और अश्वगंधा जो है ना वो वेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह गोधन अर्घ भी पिलाते हैं, जिनको पीना है पिए, बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती वाला कार्यक्रम है नहीं। पश्चिमोत्तानासन और ये चलित पश्चिमोत्तानासन ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। और फिर सीधे लेट करके ना, ये अभ्यास तो हमारी रोज की दिनचर्या में, क्योंकि रोज लोग वेट बढ़ाते हैं तो रोज हमें सुबह सुबह बैलेंस करना पड़ता है। कोई सुबह सुबह ही बड़ा पाव खा लेता है। मैंने एक से बोला, इसके बड़े के ना पाव है, नहीं बड़ा है तो छोटा ही है। बोला जी इसको खाने वाला बड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा पाव है। कुछ सुबह सुबह बड़ा पाव खाते, कुछ ब्रेड खाते, कुछ और तमाम तरह के पराठा भांति करते हैं, कपाल भांति छोड़ करके। तो ये भांति भांति की क्रियाएं करके, फैट और ट्रांस फैट खा करके, अनहेल्दी चीज़ें खा खा करके लोग मुटिया जाते हैं, मोटा मोटी हो जाते हैं। तो रोज़ देखो सुबह से शाम तक जो खाना खाते हैं, यदि आपने सुबह हमारे साथ ये अभ्यास नहीं किए ना, तो वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर बीपी शुगर फिर बढ़ेगा, फिर वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ेंगे, बहुत कुछ जो अनवांटेड चीज़ें वो बढ़ेंगी। तो हम रोज़ बैलेंस करवा देते हैं ये तीनों अभ्यास करा करके। जो दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पाते उनको एक एक पैर से करवा देते हैं, एक एक पैर से भी तीनों अभ्यास हो जाते हैं। तो रोज़ वेट, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस का को मैनेज करना, बैलेंस करना जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो दोनों पैरों से न कर पाए एक एक से ऐसे ही अभ्यास करें। तो रोज़ बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। मर्यादा में रहेगा वेट, पेट सब मर्यादा में खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। और मर्यादा हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसे ये स्वामी जी लाइन अब बहुत कम लिखी हुई दिखाई देती है। आराम आराम से करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पैर घुमाया, ये लोगों को अवेयर करती रहती थी, बड़ी अच्छी लाइन है।